बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको हाथों को गोरा करने के लिए एक स्क्रबर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। आपको ज्यादा देर लगा के वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने हाथों के ऊपर इसकी स्क्रबिंग करनी है और 5 मिनट के बाद अपने हाथों को वॉश कर देना है। ये अमल आप 3 दिन तक करके देखिए, आपके हाथ सोने की तरह चमकना स्टार्ट हो जाएंगे और चांदी की तरह गोरे चिटे हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए रेमेडी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करती हूँ, जो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले आधा चम्मच आपने कोई सा भी स्क्रबर लेना है। मैंने एप्रीकॉट का स्क्रबर लिया है, ये मैंने मार्केट से खरीदा है। आप कोई से भी वाला एप्रीकॉट का स्क्रबर खरीद सकते हैं, या इसके अलावा कोई सा भी अच्छा स्क्रबर आपको अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एप्रीकॉट का ज्यादा बेस्ट रहता है, आप यही वाला इस्तेमाल करिएगा। ठीक हो गया जी, इसकी छोटी पैकिंग भी मिल जाती है और बड़ी भी मिल जाती है। तो आपने स्क्रबर का एक चम्मच जो है वो एक बाउल में ऐड कर देना है। दूसरे नंबर पे आपको स्किन वाइटनिंग पाउडर चाहिए होगा, ये अलग अलग ब्रांड्स का मार्केट में अवेलेबल होता है। आधा टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइटनिंग पाउडर, इंडिया में भी मिल जाता है। सो इंडिया वाले ये ना कहें कि हमारे लिए आपने रेमेडी नहीं बनाई या हमें आपने जहन में नहीं रखा, आपके लिए भी मैंने ये रेमेडी बनाई है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस रेमेडी को आप अपने हाथों के साथ साथ अपने पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे अपने बॉडी के डार्क एरियाज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको विटामिन सी के ड्रॉप्स चाहिए होंगे, ये सी कोन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। तो आपको विटामिन सी के ड्रॉप्स चाहिए होंगे, 8 से 10 ड्रॉप्स जो है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमें एप्पल विनेगर चाहिए होगा, यानी कि सेब का सिरका चाहिए होगा, हम 1 चम्मच सेब का सिरका इसमें ऐड करेंगे। सेब का सिरका बहुत तेजी से मैल कुचैल को काटता है, हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, हमारी स्किन से दाग धब्बों को खत्म करता है और हमारी स्किन को चमकाता है। तो तमाम चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक DIY स्क्रबर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। इससे हमारे हाथों की स्क्रबिंग करेंगे, मैं रिजल्ट आपको लाइव दिखाऊंगी। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये हल्का हल्का फूलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसमें तमाम अच्छी चीजें इस्तेमाल की हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों हाथों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं क्योंकि मेरे दोनों हैंड डार्क हो रहे हैं। मैंने ईद से पहले जो है वो मैनिक्योर किया था जिसका रिजल्ट अभी तक मुझे मिला है, 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं। तो आपने अगर उस मैनिक्योर को नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के लास्ट पे मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों की स्क्रबिंग करनी है 5 मिनट के लिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही आपने थोड़ी देर के लिए किया और बस कर दिया। 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है अपने हाथों की, अपने डार्क नकल्स की, बॉडी के डार्क एरियाज की, की अपनी गर्दन पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और चेहरे पर भी 2 मिनट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे के लिए टाइम सिर्फ 2 मिनट का है, दाग धब्बे भी रिमूव होंगे और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी और आपकी स्किन का रंग दिन ब दिन बहुत ज्यादा निखरता जाएगा। तो अच्छे तरीके से 5 मिनट की स्क्रबिंग में कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाइव इसको वॉश करेंगे और लाइव ही आपको रिजल्ट दिखाएंगे। मैंने मेरे हैंड्स को वॉश कर लिया है और फौरी बाद का रिजल्ट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। 5 मिनट की स्क्रबिंग से ही मैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हाथों के काले जोड़ देखिए कितने ज्यादा निखर गए हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, हैंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं। आप इसको जरूर इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए मैं आपको काफी जूम करके रिजल्ट दिखा देती हूँ। देखिये मेरे हैंड के ऊपर जो छोटा सा निशान है ये भी वाजिया हो रहा है और मच्छर के काटे का निशान भी वाजिया हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा जूम रिजल्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना ज्यादा जूम रिजल्ट कोई भी आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगा जितना ज्यादा जूम में आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप इसको जरूर एक दफा इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। जरूर इसको इस्तेमाल करिए, एक ट्राई जरूर दीजिए, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हात वो होते हैं जब आप अपनी सबसे कीमती चीज को
बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। इस लेसन पर डीपली गौर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।